जीव के पास दो ही काम है, प्रेम करना और सेवा करना। भगवान की नहीं करेगा तो, गॉड की नहीं करेगा तो श्रील प्रभुपाद जी बोले डॉग की करनी पड़ेगी। एक बात ईशो उपनिषद जो हमें समझा रही है वो ये है कि आपके पास जो भी योग्यता है, जो भी क्वालिटी है, वो भगवान के द्वारा दी गई है। आपका ये शरीर जो है वो भगवान की अपरा प्रकृति है, आपकी आत्मा भगवान की परा प्रकृति है, आपकी बुद्धि भगवान की दी हुई, आपका मन भगवान का दिया हुआ, आपकी शक्ति, आपकी सुंदरता, आपका धन, आपका ज्ञान, आपका बल, आपका संपूर्ण जो भी आपके पास है वो भगवान का दिया हुआ है। तो जो भगवान का दिया हुआ है वो भगवान की सेवा में आपको यूज करना चाहिए। अगर आप भगवान की सेवा में यूज करते हो तो आप सुरक्षित हो, वरना फिर माया आपको अपने तरीके से नचाएगी। हर एक जीव को भगवान ने एक विशेष शक्ति दी है। क्या शक्ति दी है? हम सब जानते हैं कि हम कुछ न कुछ करने के, हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल होता है, कोई ना कोई क्वालिटी होती है, ये भगवान ने दी है। जब भगवान ने किसी को बनाया है तो उसको पूर्ण बनाया है, और पूर्ण किस सेंस में बनाया है, ये दो कार्य करने के लिए, प्रेम से भगवान की सेवा करने के लिए। आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, आप उसको ढूंढो। वो क्या क्वालिटी है? जैसे अगर कोई व्यक्ति है उसको बहुत अच्छा गाना सिंगिंग आता है, जैसे जॉर्ज हैरिसन को बहुत अच्छा सिंगिंग आता, तो श्री प्रभुपाद जी उन्हें बोलते आप तो बहुत अच्छा गाते हो, तो कृष्ण के लिए गाओ, है ना। उसी तरह से यदुरानी देवीदासी जो है कितना अच्छा गाया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। तो इस तरह से किसी के अंदर सिंगिंग की क्वालिटी है, वो कीर्तन कर सकता है भगवान के लिए, पवित्र नाम का प्रचार कर सकता है। किसी के अंदर बोलने की क्वालिटी है तो भगवान के शब्दों को प्रचार कर सकता है, गीता और भागवतम का प्रचार कर सकता है। किसी के अंदर ड्रॉइंग करने की है ना अगर एबिलिटी है तो भगवान के लिए बहुत अच्छे चित्र बना सकता है। किसी के अंदर अगर ड्रेसिंग बनाने की क्वालिटी है तो भगवान के लिए वो वस्त्र बना सकता है। किसी को फ्लावर सेवा करनी आती है तो भगवान के लिए वो कर सकता है। किसी को भोजन बनाना आता है तो वो भोजन भगवान के लिए बहुत अच्छे से प्रसादम बना सकता है। किसी को क्लीनिंग बहुत अच्छी आती है तो भगवान के मंदिर की, भगवान के बर्तन जो आरती के बर्तन है उनको अच्छे से बना सकता है। और अगर किसी को बहुत अच्छे से इंटरनेट यूज करना आता है तो ये सारी चीजों को बहुत जगह जगह तक पहुंचा सकता है। जो हम श्लोक पढ़ते हैं उनको, जो हम ज्ञान देते हैं, अलग अलग जगहों तक पहुंचा सकते हैं। तो सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो भगवान ने रखी है ना। तो हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए कि जो उसके अंदर क्वालिटी है उसके द्वारा वो भगवान की सेवा